हेलो दोस्तों, आज हम पांच बहुत ही इजी नुस्खों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके गार्डन के पेस्ट्स यानी कीड़ों को पूरी तरह से किल कर दें, जैसे कि मीलीबग्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज यानी सफेद मक्खियां और दूसरे बग्स और पेस्ट्स। एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज और मीलीबग्स छोटे से सॉफ्ट बॉडी वाले कीड़े होते हैं जो बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं और प्लांट को बहुत डैमेज कर सकते हैं। ये प्लांट्स का जूस सक करते हैं और प्लांट्स का ग्रोथ थम जाता है, प्लांट्स कमजोर पड़ जाते हैं और मुरझा जाते हैं। पौधों को बचाने के लिए इन कीड़ों को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। असल में ये उतना भी मुश्किल भी नहीं है, आप घर पे पाए जाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके इनको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये ज़्यादातर टमाटर, पेपर, एग प्लांट, हिबिस्कस, कैबेज जैसे पौधों को ज़्यादा अटैक करते हैं। नुस्खा, पहला नुस्खा, बस एक थोड़ा सा प्रेशर वाला गार्डन पाइप या होज ले लें जिसमें प्रेशर गन लगा हो और आप पानी से प्लांट को नहला दें। ये फर्स्ट स्टेप है जिससे आधे से ज्यादा कीड़े बिखेर जाएंगे। दूसरा टिप, एक स्प्रे सॉल्यूशन बनाना है आपको। एक टीस्पून लिक्विड सोप जैसे डेटॉल या लिक्विड डिशवॉश सोप 1 लीटर पानी में मिला लें, अच्छे से मिक्स कर लें और प्लांट्स की पत्तियों पर स्प्रे कर दें। ध्यान रहे कि लीफ के निचले वाले भाग में भी स्प्रे करें। ये स्प्रे या कोई भी स्प्रे आप गर्मी या धूप के समय पर ना करें, या तो अर्ली मॉर्निंग में करें या इवनिंग आफ्टर सनसेट करें। फिर से एक दफ़ा 24 घंटे के बाद 3 से 5 दिन तक स्प्रे करते रहें। और तीसरा सोल्यूशन है नीम ऑयल। ये बहुत ही फायदेमंद है और सबसे सेफ रेमेडी है, खासकर आपके वेजिटेबल वाले पौधों के लिए। आप 2 टेबलस्पून 1 लीटर पानी में मिक्स कर लें और उसमें 10 ड्रॉप लिक्विड सोप या शैम्पू डाल दें ताकि नीम ऑयल पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, और ये स्प्रे कर दें। 2 या 3 दिन बाद एक बार फिर से स्प्रे कर लें। चौथा सॉल्यूशन है जो नेचुरली ये व्हाइट फ्लाइज को खा लेता है, जैसे कि स्पाइडर्स, लेडी बग्स, ड्रैगन फ्लाइज, हमिंग बर्ड्स वगैरह वगैरह। आप इनको अपने गार्डन से ना भगाएं। लास्ट रेमेडी है ट्रैप की, जो इजीली गार्डन स्टोर या ऑनलाइन मिल जाता है। इसको येलो स्टिक ट्रैप बोलते हैं। ये बस एक येलो कार्डबोर्ड पे पेट्रोलियम जेली जैसे कि वैसलीन के साथ सोप लिक्विड मिक्स करके येलो, ब्राइट येलो कार्डबोर्ड पे कोट कर देते हैं और गार्डन में लगा देते हैं। ये कीड़े ब्राइट येलो कलर से अट्रैक्ट होते हैं और इस पर चिपक जाते हैं। लास्ट में एक बोनस टिप जो कि आपको ध्यान से यूज करना है, व्हाइट फ्लाइज को खासकर एक हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर ले लीजिए और उससे आपको व्हाइट फ्लाइज को खींच लेना है। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये थम्स अप क्लिक कर दें और कमेंट बॉक्स में आपके थॉट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग।